नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जिला सिवनी कांग्रेस लीडर अजय ककेल ने दिया बड़ा बयान, वीडियो के माध्यम से गिनाई मोदी सरकार की विफलता। नरेंद्र मोदी सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं। बढ़ती महंगाई को लेकर कसा केंद्र सरकार पर तंज, पुरानी सरकार की तुलना की वर्तमान की सरकार से पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने की रखी मांग। सिवनी से संवाददाता अब्दुल हक की रिपोर्ट। देश में जिस तरह डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, देश के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहे आम जन के साथ केंद्र सरकार ऐसा रवैया अपनाएगी। आज जबकि कच्चे तेल के दाम न्यूनतम स्तर पर हैं, उसके बाद भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार एक्साइज ड्यूटी इतनी अधिक लगा दी है कि आज पेट्रोल के रेट 800 रुपये से ऊपर और डीजल के रेट 90 रुपये से ऊपर पहुंच गए। जब ये विपक्ष में थे तो मोदी जी कहते थे कि सरकार चलाने में अक्षम लोग हैं और सरकार की विफलता है जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि उस समय 70 रुपये डीजल और 80 रुपये पेट्रोल मिलता था और कच्चे तेल $100 प्रति बैरल से ज़्यादा था। जिस तरीके से ये हर मामले में असफल हुए हैं, उससे देश में युवाओं को, गरीबों को और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इनकी नीतियों के कारण उद्योग धंधे आज बंद होने की कगार पे हैं। किसान आज 100 दिन पूरे हो गए हैं हड़ताल पे हैं, और इसी तरह अगर ये सरकार चलते रहे तो आने वाले दिनों में देश की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो सकती है। आप मोदी जी से क्या मांग करना चाहेंगे? मोदी जी से एक मांग है, ये बार बार बोलते हैं कि हमारे हाथों में नहीं है, केंद्र में आप बैठे हैं, आप जो शुल्क लगा रहे हैं, आप बोलते हैं एक देश एक टैक्स, तो फिर पेट्रोल और डीजल को भी GST के दायरे में लाइए और आपने जो कहा है उसे पूरा कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ कहते बस हैं, करते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।